हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOBT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो लाइब्रेरियन वैकेंसी से संबंधित है। लाइब्रेरी अप्रेंटिस यानी जिसे हम लाइब्रेरियन के नाम से जानते हैं, इस वीडियो में लाइब्रेरी अप्रेंटिस के कुल 4 पद के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हम लाइब्रेरियन कहते हैं। और सरल भाषा में लाइब्रेरियन सभी लोग समझते हैं, यह कोई नहीं समझता कि लाइब्रेरी अप्रेंटिस क्या होती है, बट लाइब्रेरियन समझते हैं, इसलिए हम भी लाइब्रेरियन कहते हैं। जो पद हैं, कुल 4 पद हैं लाइब्रेरी अप्रेंटिस के लिए, और मध्य प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मिनिमम फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं। यदि आप बैचलर डिग्री में यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में अपेयरिंग में आप एग्जाम दिए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पद के लिए, और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में भी अपेयरिंग में आप हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर क्वालिफिकेशन में IT का ज्ञान होनी चाहिए और IT एप्लीकेशंस का भी ज्ञान होनी चाहिए, बेसिक सर्च इंजन डेटाबेस का भी ज्ञान होनी चाहिए, और अवेयर टेक्निकल प्रोसेस और नॉलेज ऑफ मार्क सेकेंड और DDC, यह तो डिजायर क्वालिफिकेशन है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ रिट्राइवल ऑफ बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ बुक्स ई बुक्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यह सब तो हमें पता है कि अपेयरिंग पीरियड में यानी जब कोई भी स्टूडेंट हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जब पढ़ते हैं तो डेटाबेस की जानकारी तो रहता है, रिमेनिंग जो है यानी बाकी कैसे एक्सेस करना है यह जानकारी नहीं रहती है। तो इसमें क्या है कि सब चीज के बारे में सिखाया जाएगा आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को मैनेज करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं और क्या इसका प्रोसेस है, पहले सिखाया जाता है, उसके बाद 1 साल तक आपको कार्य करना रहता है। क्योंकि मैं भी यहीं पे ट्रेनिंग किया था लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरी अप्रेंटिस पद पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुल 4 पद हैं, ट्रेनिंग पीरियड 1 साल के लिए होता है, और जब से आप ज्वाइनिंग करेंगे, जिस डेट को ज्वाइनिंग करेंगे उसी डेट से आपको 1 साल काउंट किया जाएगा। कंसोलिडेटेड 15,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इस पद के लिए जो इंटरव्यू हैं 29 दिसंबर 2023 को इंटरव्यू हैं। इंटरव्यू कहाँ पे हैं, तो भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर कैंपस में आवेदन आमंत्रित हैं और यहीं पर इंटरव्यू हैं। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया हूँ, यहाँ पे सर भी हमारे हैं, तो आपको क्या करना है कि आप यदि इंटरेस्टेड हैं इंटर्नशिप के लिए तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और जीमेल करना है। अदरवाइज आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं सेंड करते हैं तो केवल कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं या आएंगे 29 तारीख को। तो एक नॉर्मल सा आपको टेस्ट होगा, नॉर्मल बैचलर लेवल का अकॉर्डिंग का टेस्ट होगा, जिसमें 20 से 30 या 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 घंटे का टाइम रहता है, मल्टीपल चॉइस का रहता है, और उसी में आपको जो सही लग रहा है उसी को टिक करना रहता है, जो आपको सही लग रहा है उसको टिक कर दो। 4 ऑप्शन रहता है तो उसको टिक कर देना है, और टोटल पेपर इंग्लिश में रहता है क्योंकि यह भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर है जहां पे इंग्लिश चलती है, तो इसी में से जो सही रहेगा उस पर टिक करना है। और नॉर्मल सा पेपर रहता है, जैसे प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, आउटपुट, इनपुट, डिवाइस, इंसाइक्लोपीडिया, इसी टाइप का एक नॉर्मल सा टेस्ट रहता है जो 40 से 50 प्रश्न रहता है। पीछे पहले तो 30 प्रश्न पूछा जाता था, अब हो सकता है 50 कर दिया गया हो, सॉरी, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है इसलिए 50 प्रश्न हो सकता है। यह जो वैकेंसी है 1 घंटे के लिए, सॉरी, यह जो रिटर्न टेस्ट है 1 घंटे का टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी कॉपियाँ जांच होगी, लाइब्रेरी में कॉपी जांच होती है। जांच होने के उपरांत 10:30 बजे से आपको इंटरव्यू चालू हो जाएगा, यानी लिस्ट बाहर चिपका दी जाती है कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं, उनके लिस्ट बाहर चिपका दी जाती है। और उसी के आधार पर एक पैनल बैठता है जिसमें रजिस्ट्रार सहित 4-5 स्टाफ बैठते हैं और लाइब्रेरियन बैठता है, और थोड़ा सा नॉर्मल डिसीजन ले ली जाती है आपके कम्युनिकेशन स्किल के अकॉर्डिंग, ओनली कम्युनिकेशन स्किल का अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाता है। अब आपको क्या है कि यहाँ पे जो है प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट दी गई है जो आपको फिल करके सेंड करना है, और यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, यह आपको डाउनलोड करना है, फिल करना है और नॉर्मली सेंड करना है, जिसमें आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे सेंड कर रहे हैं और आप सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। 29 दिसंबर को इंटरव्यू है 9:30 बजे, यानी 9:15 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो उस दिन आपको गेट से मेन गेट से एंट्री करना रहता है, तो मेन गेट से ही आप एंट्री करेंगे इंटरव्यू देने जाएंगे तो, और टेस्ट भी होगा सेम डेट को और सेम डेट को इंटरव्यू भी होगा, उसी दिन सब काम हो जाता है, मात्र 2 से 3 घंटे के बीच में सारे कार्य कंप्लीट हो जाता है। और आपके खाने का भी प्रबंध रहता है वहाँ पे, तो जैसे ही आप जैसे सुबह में जाएंगे तो आपको वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, यह जो वैकेंसी है भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश में वैकेंसी आई है, और यह वेबसाइट से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। और यह जो नोटिफिकेशन है यह लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो नोटिफिकेशन सर्च करने में या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने में। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन